शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता और गोवंश वध के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था और जीरो टॉलरेंस के निर्देश भी दिए थे। उक्त आदेश के पालन निर्देशन में पिछोर SDOP प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में खनिया थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि विदिशा तरफ से दो ट्रक भैंसों और पाड़ों के भरे आ रहे हैं जो कटने के लिए आगरा तरफ जा रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर रेड्डी चौराहा पर चेकिंग लगाई गई तो कुछ देर बाद चंदेरी तरफ से दो ट्रक आते दिखे, जिन्हें रोककर चेक किया तो ट्रकों के ट्रालों में पार्टीशन बनाकर भैंसों के पैर सिर बांधे हुए ठूस ठूस कर भरी हुई पाई गई। चालक का नाम पता मुन्ना पुत्र रफीक निहालगंज जिला धौलपुर राजस्थान। दूसरे ट्रक में 34 नग बड़ी भैंसे और एक पाड़ा ठूस ठूस कर भरे थे। चालक का नाम कपिल शर्मा पुत्र राजू शर्मा निवासी सिरोंज जिला विदिशा। दोनों ट्रकों के चालकों एवं भैंस मालिकों से भैंसों के परिवहन एवं भैंसों के खरीदी के संबंध में कागजात चाहे गए तो न होना बताया। तब आरोपी गण से उक्त 65 नग भैंसे कीमत 19,50,000 रुपए एवं 2 14 चक्कर ट्रक कीमत 40 लाख रुपए जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कल रात्रि को सूचना के आधार पर दो ट्रक में भैंसे भरकर अवैध रूप से विदिशा तरफ से आगरा तरफ जाने वाले उप सूचना पर से रेड्डी चौराहे पर दो ट्रक पकड़े गए हैं। दोनों ट्रक में एक ट्रक में 30 भैंसे और एक ट्रक में 34 भैंसे एक पड़ा भरा हुआ था जो ठूस ठूस कर छत बनाकर भरे गए थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, ट्रक कटने के लिए ले जा रहे थे। उसमें एक मुन्ना खान धौलपुर राजस्थान का पकड़ा गया है और एक कपिल शर्मा भी विदिशा का है। इस प्रकार 4 लोग पकड़े गए हैं, 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। कुल 19,50,000 की भैंसे की कीमत जो जब्त की गई है और आरोपी विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।